नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के पांच सबसे बहादुर लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती और जिन्होंने मौत को काफी नजदीक से देखा है। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ, आपने आज तक इनके जैसे लोग कभी नहीं देखे होंगे। हीरो ओनोडा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन जापान के एक सोल्जर ने वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के 30 साल बाद भी फिलीपींस में अपनी लड़ाई जारी रखी। वो अकेले 30 सालों तक जंगल में छुपकर वहां के लोकल लोगों को मार देता था और उनकी गाय को अपनी बंदूक से शूट करके भाग जाता था और उनके खेतों में से चावल चुरा कर खा लेता था। कई बार लोगों ने उसे बोला कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन ओनोडा को लगता था कि वो उसे पकड़ने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जब जापान की गवर्नमेंट को अपने हीरो के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके पास एक सरकारी खत भेजा। तब जाकर ओनोडा ने अपनी लड़ाई खत्म की और इस तरह से वो जापान वापस लौट सका, जहां उसका स्वागत लाखों लोग कर रहे थे। वेस्ना वलोविक। एक बार जब वेस्ना हवाई जहाज में सफर कर रही थी, तभी उसका हवाई जहाज हाईजेक हो गया और उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से हवाई जहाज तेजी से नीचे आने लगा और जमीन पर जाकर क्रैश हो गया। इसके बावजूद वेस्ना इकलौती ऐसी इंसान थी जो इस दुर्घटना से बच सकी। आज भी वेस्ना का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से आज तक कोई भी बिना पैराशूट के जिंदा नहीं बच पाया। दोस्तों, क्या आपको हवाई जहाज में सफर करने से डर लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेन नयम्बे। वैसे तो हम सभी को पता है कि जंगल में कितने खतरनाक जानवर होते हैं। अजगर इनमें से एक जानवर है। साल 2009 में बेन नाम के एक व्यक्ति को एक बड़े से अजगर ने जकड़ लिया। करीब 3 घंटे तक बेन अजगर से लड़ता रहा और उसने उसके मुंह पर अपना टी शर्ट डाल दिया, लेकिन अजगर ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। इसके बाद बेन ने अपनी पूरी ताकत के साथ अजगर की पूंछ को अपने दांतों से काट लिया, जिसके बाद अजगर ने उसे छोड़ दिया। ट्वाइस लक्की। टोड को ये पता चल गया था कि कभी भी माँ और बच्चे के नजदीक नहीं जाना चाहिए। मोंटाना में हाइकिंग करने के दौरान टोड गलती से एक भालू के नजदीक आ जाता है। अपने बच्चे के नजदीक टोड को देखकर भालू ने टोड पर हमला कर दिया, लेकिन काफी कोशिश के बाद टोड बच निकला। जब वो वापस कार की तरफ जा रहा था, जो कि उससे 5 किलोमीटर दूर थी, तो उसी भालू ने दूसरी बार टोड पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसके शरीर की काफी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन टोड वापस से बच निकलने में कामयाब हो गया। दोस्तों, क्या मुझे ऐसे ही बहादुर लोगों के बारे में और वीडियोस बनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।